हाय बच्चों, जो कि जीपी रेटिंग मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जीपी रेटिंग की एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें बताया कौन सा कॉलेज बढ़िया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब कब फॉर्म्स आएंगे, आपको सारी अवेलेबिलिटी मिलेगी उसकी, कैसे फॉर्म भरना है, सब वीडियोज मिलेंगे, कहाँ जाना है। बट फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गलत गलत कॉलेज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यार जाना तो हमारे प्रोफेसर बोल रहे हैं, लेकिन जाएं कैसे, पढ़े कहाँ से, क्या पढ़े। तो अब वो जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज आ गया, जहां पर विकास सर ने बहुत मेहनत करी है, ऑलरेडी उसमें पूरा एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है। तो उसके अंदर ये वीडियो है जहां पर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसी के ऊपर इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर किए गए, बट इसी में से क्वेश्चन निकल के टी एस रहमान, नूसी गोवा या इवन सिनर्जी ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको अच्छी जगह लेके जाएंगे। प्लीज वीडियो देखिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से कतराइए मत, क्योंकि ये इस पैकेज की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। ये वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लिंक ऑफ द पैकेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल इन कमेंट सेक्शन। हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर टॉपिक, परसेंटेज मैजिकल ट्रिक्स लेक्चर 1। सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक अबाउट द रिलेटिव चेंज ऑफ परसेंटेज। व्हाट इज रिलेटिव चेंज ऑफ परसेंटेज? ठीक है, रिलेटिव चेंज ऑफ परसेंटेज मीन्स कंपेयर बिटवीन ए एंड बी, कंपेयर बिटवीन टू परसेंटेज, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू मार्क्स एजेस वेट नंबर्स इटीसी। रिलेटिव चेंज ऑफ परसेंटेज इज नथिंग बट कंपैरिजन बिटवीन टू मार्क्स एजेस वेट नंबर इटीसी। सपोज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। सपोज यू गोट 75% इन योर सेमेस्टर, व्हाट डज इट मीन 75, एंड दिस परसेंटेज इज रिप्लेस्ड बाय इनटू 1/100, एम आई राइट? सो दिस इज सिंपली परसेंटेज। लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। जस्ट सपोज ए गोट 50 मार्क्स एंड बी गोट 40 मार्क्स, क्लियर? ए गोट 50 मार्क्स एंड बी गोट 40 मार्क्स, देन टेल मी ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो कंपैरिजन, तो सिंपली 50/40 × 100, क्लियर? 50/40 × 100, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, अगर बी लास्ट में है, ठीक है, तो डेनोमिनेटर में बी आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तो सिंपली 40/50 × 100, क्लियर? बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज नथिंग बट 40 × A × 100। हियर A/B × 100, हियर B/A × 100, क्लियर? सी, ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी। जस्ट बी लास्ट में है, तो डेनोमिनेटर में तो बी ही आएगी, दैट इज 40। बट नाउ ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी मीन्स डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मार्क्स के डिफरेंस आप लोगे यहां पर कितनी है, 50 − 40 मीन्स 10, सिंपल, एंड टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, ठीक है? तो सिंपली ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, ए माइनस बी बाय बी इंटू वन बाय हंड्रेड, राइट? क्लियर? तो क्या हो गया यहां पर, ए माइनस बी, 50 − 40 दैट इज 10, ठीक है, इंटू 100, क्लियर? तो कितनी हो जाएगी, 425%, क्लियर? तो ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, 25%, ए इज 25% मोर देन बी,
क्लियर? नाउ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, तो सिंपली अगेन डिफरेंस ए माइनस बी बाय ए इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू 100, तो अगेन 10 बाय 50 इनटू 20, क्लियर? तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, बी हाउ मच परसेंटेज लेसर देन ए, ठीक है, और मोर देन ए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ये आपको लेक्चर समझाएगी। तो जस्ट लुक हाउ टू फाइंड रिलेटिव चेंज ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन इफ ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, इज नथिंग बट ए बाय बी इनटू 100, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, सिंपली बी बाय ए इंटू 100, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड वी विल ट्राई टू सम प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स।